मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत ऐसे बैठ के बातें करता था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना फनी हूँ, या मेरे कलीग्स हंसते ज़रूर थे, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं जो लिखूँगा वो लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पत्रकारिता नहीं की है, मैंने पढ़ाई उतनी नहीं की है कि मैं लिखने में अच्छा हूँ। मेरी सोच हिंदी की है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट मैं उतनी बढ़िया नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बंदा ज़रूर चाहिए कि जो मैं जो हिंदी में बोलूँ वो इंग्लिश में उसको अच्छे से ट्रांसलेट करे ताकि लोगों को समझ में आए। और ट्विटर, जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो ट्विटर पे आने का मुझे था, यार हम लोग एक ही क्रिकेटर का जन्मदिन बड़े शौक से मनाते हैं, वो सचिन तेंदुलकर। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके मनाने चाहिए। तो पहला जो मेरा बर्थडे ट्वीट था वो रोहित शर्मा के लिए था कि भाई अगर जब रोहित शर्मा पैदा होंगे डॉक्टर ने कहा होगा कि लड़का नहीं हुआ, हिटमैन पैदा हुआ है। तो वो ये बातें हम लोग ड्रेसिंग रूम में भी करते थे, और बट जब लिखना शुरू किया तो लोगों को पसंद आया, तो वहाँ से ट्विटर की शुरुआत। बहुत ही स्पॉन्टेनियस है आपके ट्वीट्स, कोई भी घटना। देखिए वर्ल्ड, ये जो WTC का फाइनल था वो हम हारे इसलिए क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने उतने रन बनाए नहीं। एक ये निर्णय जरूर था, डिस्कशन हो सकता है कि अश्विन क्यों नहीं खेले, अगर वो वर्ल्ड के नंबर वन टेस्ट गेंदबाज हैं और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं तो आप उनको जरूर खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरी टीम में देखें तो नेथन लॉयल थे जिन्होंने, वो भी ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने भी काफ़ी विकेटें ली हैं, तो थोड़ा सा एक वो भी खराब रहा। और हमारे बैट्समैन 30-40 बनाकर 15-20 बनाकर अपना विकेट थ्रो करके आउट हुए, तो अगर वो टेस्ट मैच जीतना है तो आपको बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे। अगर खासकर मैं ये मानता हूँ कि पहली इनिंग में आपको 400-500 रन लगाने पड़ते हैं या उतने रन बनाने पड़ते हैं जितने रन दूसरी टीम ने बनाए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 450 के करीब कुछ रन बनाए थे तो भारत को उनके आसपास रहना था अगर टेस्ट मैच ड्रॉ करना है या जीतना है। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरी टीम जीतने के लिए खेलती है और वो हार जाती है, तो वो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी जो वो नज़र आई। तो आई थिंक बल्लेबाजों की ज़्यादा गलती मैं मानूंगा बजाय कि गेंदबाजों की। और वो एक डिबेट का इशू है कि भाई कप्तान को किसी को ऑफ स्पिनर पसंद नहीं हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर पसंद हो तो शायद वो हो सकता है, या कई बार मैनेजमेंट डिसीजन लेता नहीं यार हम लोग रविंद्र जडेजा के साथ जाएंगे अश्विन के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि शायद वो बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। तो बट कहीं ना कहीं वो चूक हुई है भारतीय टीम के मैनेजमेंट से कि अश्विन को ना खिलाने की। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली रोहित शर्मा का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जब टेस्ट मैच शुरू होता है तो कोच, कैप्टन, सीनियर प्लेयर जाते हैं, विकेट देखते हैं और वो सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि यार थोड़ा सा घास दिख रहा है, मौसम थोड़ा बादल है, बारिश हो सकती है, तो जो फोरकास्ट है वो शायद इस समय अनुकूल है पहले गेंदबाजी करने के लिए। बट वो एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन होता है अगर एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजमेंट आप लेते हैं कि नहीं थोड़ा घास हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, अगर ओपनर अच्छा स्टार्ट कर गए तो हम लोग अच्छा खेल सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का, खाली कप्तान का डिसीजन नहीं होता, तो वो कप्तान को ब्लेम करना उसके लिए गलत होगा। बट अगर उस समय मैं वहाँ होता एज ए कैप्टन तो मैं भी वही निर्णय लेता कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करता, क्योंकि मौसम ऐसा है और विकेट पे हरी हरी घास थी, तो तब मैं भी वही निर्णय लेता। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा डर रहे होंगे या वो क्योंकि उस सिचुएशन में वो डिसीजन उनको लेना पड़ा कि मैं पहले गेंदबाजी करूँ ताकि मेरे को अगर कुछ होना है तो फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में ही होना है। अगर उसमें हमारे बॉलरों ने 3-4 विकेटें ले ली तो हम टेस्ट मैच में बड़े आराम से जीत जाएंगे। मेरे हिसाब से तो मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। वो खेल रहे थे मैच, भले ही वो 20 ओवर का मैच था लेकिन ग्राउंड पर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, क्योंकि चाहे T20 खेलो, टेस्ट मैच खेलो, बॉलर को गेंद टप्पे पे डालने होती है, बैट्समैन को रन बनाने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि, और सिर्फ 3 प्लेयर थे, शुभमन गिल, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, जो वो फाइनल खेल रहे थे और उसके बाद वो वहाँ पर, उससे पहले तो पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि फॉर्म का फ़र्क था या बॉल रेड से वाइट होगी, बट वो एक अलग IPL एक अलग टूर्नामेंट है, 20 ओवर का, उसमें फास्ट है। टेस्ट मैच एक अलग फॉर्मेट है, लंबा है, जिसमें आपका हर चीज़ का टेस्ट होता है, आपका पेशेंस का, डेडिकेशन का, उसका टेस्ट होता है। बट वो प्लेयर आजकल यूज्ड टू है, ऐसा नहीं है कि यूज्ड टू नहीं है, वो वन ऑफ द टेस्ट मैच था। हो सकता अगर ये 3 मैच की सीरीज होती तो पहले में आउट हो गए और बाकी दो में रन बनाते, क्योंकि वो भी एक युवा खिलाड़ी है, वो भी अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहना कि वो IPL में रन बना रहे थे, वहाँ नहीं बनाए तो वो बहुत ख़राब खेले, या वो गलत। अगर आप किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है कि वो हर मैच में रन बनाए, तो कोई ना कोई मैच में आउट होता है, दूसरा रन बनाता है। तो इसलिए 6-7 बैट्समैन इसलिए खिलाए जाते हैं कि ताकि 2-3 ना बनाए और 2-3 बनाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।